कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ देश भर में हल्ला बोल जारी है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के कई सांसद विजय चौक पर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर रोक दिया और राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कांग्रेस को इस मार्च की अनुमति नहीं दी थी, इस इलाके में धारा 144 लागू की गई है। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सभी सांसद महंगाई के मुद्दे को उठाने के लिए राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, लेकिन हमें आगे नहीं जाने दिया। हमारा काम जनता के मुद्दे को उठाना है। कुछ सांसदों को हिरासत में लिया गया है, कुछ के साथ मारपीट भी हुई है। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि हम राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें रोक दिया। पुलिस का कहना है कि इस इलाके में धारा 144 लागू है, यहां विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसदों ने खुद को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि ये विरोध महंगाई और अग्निपथ को लेकर है। महंगाई ने सभी पर असर डाला है। राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि लोगों की आवाज को उठाएं, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।